पेड़ है ये वाला जो ये जेट प्लांट बोलते हैं इसको हम सोच रहे हैं इस छोटे वाले गमले में लगा दें और इस बड़े वाले में जो है ये वाले सारे लगा दें, ये तीनों एक साथ जो हैं वो इस गमले में लगाएंगे हम, क्योंकि गमले कोई भी खाली नहीं है, आप देख सकते हो सारे गमले भरे हैं, मतलब सब में कुछ ना कुछ कोई ना कोई। इसमें मैंने अभी टमाटर लगाया जो कि इसमें लगा था, इससे निकाल के हमने इसमें लगाया है, तो अब इसको एक गमले में कर दिया है, बाकी अब ये दोनों गमले खाली हो गए तो इसको लगा देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ओके, ये इनको समरा ने, समरा भी है मेरे साथ ही खड़े हुए, कह रही अब आप चुटकी बजा के लगाइए, तो चलिए चुटकी बजा के लगाते हैं, फिर समरा की चुटकी बजाते हैं, समरा आओ बजाओ। ये देखिए पेड़ लग चुका है हमारा, ये पेड़ लगा दिया मैंने, जेट प्लांट भी लगा दिया है, और ये समरा है, और ये देखो मुन्ना, मुन्ना देखो किसे बनाया, दिखाओ मुन्ना, दिखाओ अपने, ये है मुन्ना को का मुन्ना, मुन्ना मिठाई खाना है, जिसको भी मिठाई खाना है आ जाए मुन्ने के लिए, मुन्ने के लिए किसका मुन्ना है ये, किसका हुआ मुन्ना, मुन्ना नहीं आ रहा, लड़ाई हो रही मुन्ना किससे, अरे 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 लिपस्टिक लगी है, देखो लिपस्टिक बहुत लगाती है अम्मा सुबह सुबह, अरे अरे गिर जाता तो जी यहाँ पर ना अम्मी ने बनाई थी मकाई की रोटी, और यहाँ पर वो बना रही है मकाई की रोटी का मलीदा। इसमें क्या क्या मिलाया जाता है मैं बताती हूँ आपको, इसमें जो है शक्कर मिलाई है, घी मिलाया है, और इसको हाथों से अम्मी इसके लड्डू टाइप के बनाएंगी, तो ये सारी चीज़ें हेल्दी होती हैं, मैंने खाया था मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा लेकिन हेल्दी होती है, इसलिए एक जो उसका लड्डू था वो मैंने खा लिया था। तो ये सब चीज़ें सर्दियों में ज़्यादातर खाई जाती हैं, मकाई की रोटी, बाजरे की रोटी और सरसों का साग, और ये जितनी भी गर्म चीज़ें पतवे वगैरह है, मेथी है, बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए अम्मी ने कहा बनाते, पहली बार मैंने देखा ऐसा कुछ बनाते हुए, और खाया तो अच्छा ही लगा मुझे भी। मैं यहाँ बना है चुकंदर गोश, और मैं यहाँ पर पका रही हूँ चावल, और अब ये दूध है इसको हम चढ़ाएँगे गैस पर, हम खा रहे हैं गर्मा गर्म शकरकंद जो कि इसमें भूनी थी हमने, ये देखिए एक और रखी है, इसको अम्मी को देंगे जाके, बहुत टेस्टी लगती भुनी भुनी शकरकंद। गुड़ की पट्टी हमने यहाँ पर डाल दिया है गुड़, अब इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको हम चलाएँगे, तो हम अब इस गुड़ को पिघलाएँगे, मेल्ट करेंगे, पानी और डाल दे क्या, और यहाँ पर अम्मी जो है मूंगफली के दाने इसको जो है बीच से अलग कर दिए हैं, इसको थोड़ा सा वो रोस्ट किया था ये दानों को, रोस्ट करके इसको तोड़ना, और यहाँ देखिए हम खा गए हैं, तो ये गुड़ जब पक जाएगा तो हम जो है पानी में डालकर चेक करेंगे कि हमारा गुड़ टाइट हो गया या नहीं, जब ये टाइट हो जाएगा उसके बाद हम इस मूंगफली के दाने डालेंगे। तो हम इसको पकाए हुए करीब 15 मिनट हो चुके हैं, और अब हम सोच रहे हैं कि मूंगफली के दाने को डाल दिया जाए इसमें, और ये देखिए पानी में टेस्ट किया था हमने तो ये मतलब टाइट हो गया, तो अब जो है हम सोच रहे हैं डाल दें इसमें, तो ये देखिए हमने डाल दिया, और इसको हम चलाएंगे, हम इसको निकाल देंगे, तार आया खींच के ज्यादा पक गया ना लग रहा, क्या हो गया ना, मतलब गुड़ इसमें ज्यादा, ये फैलाओ इधर, किस तरह चम्मच से छुटाती गरम छुड़ाइए छुड़ाइए, ये चम्मच से इतना आराम से हो सका, हमने इसको पीसेस में काट लिया है, और ये जो है हमारी चिक्की बनकर रेडी हो गई, ये वाला पीस अच्छा कटा है थोड़ा सा, ये देखिए दिखाते हैं आपको, ये देखिए थोड़ा सा टाइट हो गया है क्योंकि ज़्यादा पक गया है, ये देखिए एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है, परफेक्ट, अब ये गर्म है, ठंडी हो जाएगी तो मज़े की लगेगी। टिफिन में हमने रख दिया अपनी चिक्की हमारी बन गई है, थोड़ी सी टाइट हो गया है गुड़ पकाने में, बट ठीक है यार, इससे पहले हम बना चुके हैं लेकिन हो जाता है कभी कभी, इससे अच्छा पीस मेरा ये वाला अच्छा हुआ है, चमक रहा है, चमक कितनी शाइनिंग, कितनी आ रही है अली पन्निया, ये अप्पी की फ्रेंड, अप्पी की फ्रेंड नहीं, अप्पी की स्टूडेंट की पेरेंट्स,
हाँ तो वो कुछ लेकर आए, देखते हैं क्या है। अरे बाप रे, इसमें तो सुहाल है, ये तो बहुत बड़ा सा है, इसको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए इतना बड़ा सा सुहाल है ये। अरे बाप रे, माशाल्लाह। यहाँ समरा खड़ी लेने के लिए। अब इन समरा को देंगे तोड़ के। इसमें दिखा कुछ, इसमें था जीरा, जीरा भी लेकर आए। समरा से कह दिया था कि हम क्या करेंगे, बर्थडे नहीं मनाएंगे, बोला था ना हमने, याद है तुमको? तुमसे भी बोला था हमने, तायबा से ही बोला था कि अब हम बर्थडे नहीं मनाएंगे। नहीं मनाएंगे। वो केक ढूंढने गई है देखो। भाई जैसा कि आज मेरा बर्थडे है तो भाई कुछ लाए मेरे लिए, मुझे नहीं पता था कि कुछ लाने वाले हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। चलो देखते हैं क्या है इसमें, और आपको भी दिखाते हैं। दिखाते हैं आपको क्या है। तो ये है पेस्ट्री, पेस्ट्री लाए हैं, ये बटर स्कॉच फ्लेवर है। हम खाएंगे बटर स्कॉच फ्लेवर पेस्ट्री, मम्मी पापा से शेयर करेंगे। चलिए तो चलते हैं लेके। तो हम खाएंगे पेस्ट्री। ये क्या कर दिया, इसको सीधा रख दिया तो कम से कम ऐसे काटी जाती है। ऐसे आपको बर्थडे था तो करा नहीं पाए थे, तो आपके लिए और कुछ बोलोगी नहीं, क्या बोलते हैं? बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये भी हमको बताना पड़ेगा। थैंक यू। देखिए भाई, ओ माय गॉड, ये क्या है? थैंक यू, थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे माय ट्यूशन टीचर। ये क्या है? हैप्पी बर्थडे अप्पी, थैंक यू तायबा। ये किसकी क्या ज़रूरत थी, इसकी क्या ज़रूरत थी? अच्छा बनाया, वेरी गुड। ये कार्ड हम ही ने दिया था तायबा को, तायबा ने हम ही को चिपका दिया, लेकिन अंदर अच्छा क्रिएटिविटी करी है। थैंक यू। हमारे लिए कुछ आया है, कुछ गिफ्ट टाइप का। आपकी कह रही है भाई तुम्हारे बर्थडे में हम कुछ लाए नहीं थे, तो ये मुझे कुछ खाने पीने की चीज़ें लग रही हैं। चलिए दिखाते हैं आपको क्या क्या है इसमें। तो अप्पी यहाँ पर ये लेकर आई थी केक बन, ये क्रीमी होता है, बहुत टेस्टी होता है, चाय से बहुत मज़े का लगता है। और एक केक और लाई थी बन टाइप की, ये देखिए दूसरा केक ही है, ये भी बहुत टेस्टी होता है। खाने पीने की चीज़ें क्या खा रही हो भैया? समरा बहुत सही। किस चीज़ का केक है ये, किस बात का है? पैन, पैन। पैन केक तो है, वो तो हमें पता है, लेकिन हमने क्यों दिया ये तो बताइए। हैप्पी बर्थडे टू किसका? आपका। तो हमें विश तो करिए सही से, सही से। हैप्पी बर्थडे बड्डा। चलो हैप्पी बर्थडे अप्पी, बदतमीज। सही से बोलिए, सही से बोलिए, सही से बोलो। चुड़ैल, हैप्पी बर्थडे अप्पी, थैंक यू। तुम तो लग रहा बस पे सफर कर। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बर्थडे मेरा बहुत ही सिंपल गया, क्योंकि पिछले साल मैंने सेलिब्रेट किया था, लेकिन इस साल मेरा बिल्कुल मन ही नहीं था सेलिब्रेट करने का, क्योंकि ऐसा होता है ना कि शायद पिछले साल मुझे हिदायत नहीं मिली थी, अभी अल्लाह ने थोड़ी बहुत दे दी है। मैं ये नहीं कह रही कि बर्थडे आप, मैं किसी से नहीं कहती कि आप मत मनाओ, मुझे अल्लाह ने हिदायत दे दी है और थोड़ी सी दी, बिल्कुल थोड़ी सी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, ज़िंदगी का एक साल आपकी कम हो गया है, आपने अल्लाह के लिए क्या किया, आपको जहाँ मर के जाना है, जहाँ जवाब देना है अल्लाह ताला को। तो मुझे लगता है कि बर्थडे मनाना मुझे ठीक नहीं लगा इस बार, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाकी भाई जो है पेस्ट्री ले आए थे तो वो सबने खाई, और अप्पी के बर्थडे पे केक आया था वो सबने खाया था। तो बस ये खा पी कर इन्जॉय कर लो, ख़त्म करो सब कुछ, बाकी जो सेलिब्रेट करना, लोगों को बुलाना, अच्छे अच्छे पकवान बनाना, गिफ्ट्स लेना, तो गिफ्ट्स तो आप ऐसे भी ले दे सकते हो, गिफ्ट्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, गिफ्ट लेने देने से प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, और अच्छी बात है गिफ्ट देना।
तो बस इसी तरह हम कहें मेरा बर्थडे, वाकई जिनारा ने बहुत मस्ती की, बहुत मस्ती की, बहुत नौटंकियाँ, बहुत ज़्यादा नौटंकियाँ करती है, तो उसके साथ मज़ा आता है, मुझे भी इंजॉय करती हूँ और हर व्लॉग में उसके साथ में। बाकी आई होप पसंद आया होगा आपको। हाँ, और हमने बनाई थी चिक्की, गुड़ की पट्टी जिसको बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा पक गया था वो गुड़, तो इतना आइडिया नहीं था। बाकी बना चुके हैं, पिछले साल बनाया था, उससे पहले भी बना चुके हैं, तो लेकिन होता है ना कभी कभी हो जाता फर्स्ट टाइम, लेकिन अब सेकंड टाइम इंशाल्लाह जब बनाएंगे तो उसको कम पकाएंगे गुड़ को। बाकी पट्टी बहुत ही अच्छी बनी, टेस्टी बहुत है खाने में। तो बस आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसा आप लोग उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, हम ठंड को एंजॉय कर रहे हैं, आप भी करिए अच्छे से। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।